फिल्म यशवंत का डायलॉग याद होगा आपको, जिसमें नाना पाटेकर कहते हैं कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, लेकिन यहाँ तो मक्खियों की फौज है। जहाँ देखो वहाँ मक्खी ही मक्खी है, बेडरूम से लेकर किचन तक, दरवाजे से लेकर दालान तक, खेत से लेकर खलिहान तक रहना मुश्किल हो गया है। हर ओर मक्खियों का आतंक है, जाए तो कहाँ जाए। मामला वैशाली जिले के पातीपुर प्रखंड का है, जहाँ के बाजितपुर और नीरपुर गांव के लोग इन दिनों मक्खियों से कुछ इस कदर परेशान है कि अब वहाँ लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मानव तो मानव, जानवर भी इसकी चपेट में आ गए हैं, पालतू पशु भी इसके शिकार हो रहे हैं। मक्खियों ने लोगों को कुछ इस कदर परेशान किया हुआ है कि वे लोग ठीक से न चल पा रहे हैं, न खा पा रहे हैं, न पढ़ पा रहे हैं और न ही रोजमर्रा की जिंदगी आसानी से जी पा रहे हैं। आखिर जाए भी तो कहाँ, गांव छोड़कर जा भी नहीं सकते और मक्खियों के कारण यहाँ रहना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में जब से हेचरी फैक्ट्री खुला है तब से परेशानी शुरू हो गई है। इसकी शिकायत प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक की गई है, लेकिन कहीं से कोई सुनने वाला नहीं। अब यहाँ के लोग आंदोलन के मूड में दिखाई दे रहे हैं। कितना गाय मर गए, हम सब तक किसान आदमी मर गेली गाय मरे से, गाय पोसै छी या गाय मरे से मर गेली। कितना हजार लगा देली गाय के, आ गाय भी ठीक ना है, अब बाल बच्चा पर पड़े वाला है। काफी दिक्कत है मक्खी की वजह से। एक टीचर है राम कुमार मिश्रा, वो चाय पीने के दरमियान कल उनको मक्खी चला गया अंदर, आज उनको डायरिया हो गया, पानी भी नहीं चढ़ रहा है, तो काफ़ी दिक्कत है। मक्खियों से पेट संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जिसमें मुख्य रूप से टाइफाइड, हैजा, उल्टी और दस्त होना, ये सब हो सकते हैं। मक्खियाँ जो है ज़्यादातर गंदी चीज़ों पर बैठती हैं, मल मूत्र हुआ या गंदा कोई भी चीज़ हुआ, नाला हो गया, उसके गंदे कचरे पानी से वो बहुत सारे बैक्टीरियों का अपने साथ लेकर खाना पे बैठती है या पानी पे बैठती है, तो उसको खाने से या पानी पीने से ज़्यादातर जो है उल्टी और दस्त की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है।